बचा हुआ है, 17 मिनट्स का रास्ता है और बस यही रास्ता ही है, फुल ग्रीनरी से, लश ग्रीनरी से भरा हुआ है। और आई थिंक ये हमें बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिलेगा भी। अरे भाई ये देखो, आंध्र और तमिलनाडु का बॉर्डर, और हमने क्रॉस किया, ये किया 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 तमिलनाडु, थैंक यू। आंध्र प्रदेश में एंटर कर गए हम लोग। ये रहा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओ माय गॉड, अरे भैया क्या व्यू है यार। आंध्र और कर्नाटका का एरिया है ये, तो यहाँ पे एपी और केए और टीएन बोथ, तीनों गाड़ियां देख सकती है। टीएन तो मैं दिखाऊंगा सबको, एपी और कर्नाटका बाई डिफॉल्ट दिखेंगे। भाई यार मजा ही आ गया, जबरदस्त एरिया है ये। अब पूरा ऐसे ही घूमते घूमते अपन पहुंचेंगे कर्नाटका और आंध्र के बॉर्डर पे। ये था तमिलनाडु और आंध्र का बॉर्डर। अभी करंटली वी आर इन आंध्र प्रदेश। वाओ ये जबरदस्त हो गया यार, मजा आ गया। तो भाई अभी थोड़ा सा ये कस्बा टाउन एरिया आ गया लग रहा है, पीछे छोटे छोटे गांव थे, अब ये टाउन कस्बा आ गया है एंड वी आर ऑफिशियली इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के हम लोग टाउन एरिया से गुजरते हुए, काफी चुनाव प्रचार चल रहा है। टाउन है गांव है कुछ तो ऐसा मतलब है। क्या नाम है भाई? अच्छा ये मेन रोड पकड़े ही चलने हैं, मेन रोड पकड़ के ही चलना है भैया ये वाला। ओके दिख गया मुझे कर्नाटका और आंध्रा का बॉर्डर, मतलब ये 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच आंध्रा में हम लोग ट्रैवल करेंगे, फिर बॉर्डर पे चले जाएंगे और वापस जाते हुए फिर यही सिलसिला चालू रहेगा आई थिंक। बिल्कुल बाहर बाहर से ये रोड जा रहा है, शानदार व्यू यार। ये देखो तो धान की खेती हो रही है, वाओ धान हो गए यहाँ पे, फॉग के कारण वो गीला हो रखा है बट धान पूरा का पूरा हो चुका है, बस काटने की देरी है उसको। घाट रोड स्टार्ट स्लो, घाट टाइप के रोड हैं। अच्छा तो फिर धीरे धीरे चलना पड़ेगा, लग रहा है आप ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं क्या हम लोग। घाट रोड क्या होता है भाई? घाट रोड मीन्स मतलब बगल बगल में खाई होगी और आपके पास रोड होगा क्या? इफ किसी को पता है भैया तो बता देना मुझे घाट रोड क्या होता है। अब मतलब ये पहाड़ी वाला ही रास्ता पूरा है, ऊपर नीचे करना है, इसी को बोलते हैं शायद घाट रोड्स। ओ भाई ये व्यू देखो यार, बस कुछ ही देर में हम लोग इस ऑसम व्यू के साथ कर्नाटका और आंध्र के बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। ये है हमारे हेयरपिन बैंड वाले रोड। भाई ओ भाई ये सीन देखो यार, ये बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं ये इस रोड पे और ये बगल बगल से हमारे यहीं पे कहीं से आंध्र और कर्नाटका का वो बॉर्डर बिल्कुल चलते हुए जा रहा है और आगे से हम जाके उसको क्रॉस करेंगे। और ये देखो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए, फॉग दिख रहा है भाई, टोटल फॉग। यही ये बादल है जो हमें नीचे से दिख रहा था, इस पहाड़ को कवर किया हुआ था, वो अब हम उसके अंदर आ गए एक्चुअली। बाप रे नीचे तो भाई मतलब शहर दिख ही नहीं रहा है, पेड़ वेड़ भी नहीं दिख रहे हो। अब और खतरनाक बादलों के बीच एंटर कर रहे हैं हम लोग। वाओ यार ये देखो, ये कर्नाटका में अभी हम चल रहे हैं और फिर अभी आगे से आंध्र कर्नाटका यही चलेगा भाई ये पूरा बॉर्डर में। लेकिन तुम ये व्यू देखो भाई, ओ भाई ये क्या है, ओ एम जी मैन, ये व्यू है कि क्या है महाराज। ओ भाई अभी ऐसे भी पूरा टर्न लेके अपने को पहुंचना है मंदिर के पास।
ये जो भी हुए ना यार, मजा ही आ जा रहा देख के यार। यो भाई, यो भाई, ये क्या है? फिर यहां से एक टर्न, अब जितना ऊपर जाएंगे उतना भयंकर लग रहा है फॉग हमें देखने को मिलेगा। भाई एंजॉय करो मेरे साथ आप लोग, मजा तो आ रहा होगा भाई, फुल मजा। ये देखो मसूरी आ गए हम, बाप रे। ऐसे ही मसूरी हिमाचल में एंटर करने पे लगता है भाई, आज तो अलग ही माहौल देखने को मिला। यस मैन, मजा आ गया। वापस एक टर्न भाई साहब, बिल्कुल खूब सारे टर्न, और जितना टर्न आ रहा है हम लोग उतना ऊपर जा रहे हैं, और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना भयंकर फॉग आते जा रहा है। ये देखो भाई, ओ बाप रे, ना क्या। ओ भाई बहुत जोर से क्लाउड्स वाला विंड चल रहा है यहाँ पे, हमें पता नहीं चल रहा। अभी मेरे को हेलमेट में फील हुआ, बाल में फील हुआ मेरे, बहुत खतरनाक। ओहो, और यहाँ पे आना है हमें, लग रहा है हम पहुंच गए बिल्कुल। बस ये है जगह जहाँ आना था हमें। कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं हम लोग एक पास में। क्या नज़ारा है भाई, ओह माय गॉड। ये है मंदिर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ से हम लोग आए, यूं गए, और वहाँ से यूं टर्न लेके यहाँ आ गए। भयंकर हवा चल रही है, काफ़ी लोग आए, ऐसे लग रहा था कुछ नहीं लोग आए, लेकिन लोग तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखो पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आगे ये गाड़ी खड़ी है। ये रहा हमारा मंदिर, पूरा बादलों में ढका हुआ, ये घंटी बजने की वाली। ये रहा मंदिर का साइड, पूरा बादलों में ढका हुआ है भाई साहब। लेट्स सी, ये देखो सनराइज मूनराइज लग रहा है। सूरज भगवान का भी आ रहा है फिर खत्म हो जा रहा है, इतना भयंकर बादल है। ये सीन बहुत सही लग रहा है यार, ये पेड़ वाला। यहाँ भी देखते हैं, उधर जाना पड़ेगा लग रहा है। ये रहा मंदिर का साइड, और यहाँ से भयंकर फॉग। ये रहा मंदिर का एरिया, और अब हम लोग कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओ भाई, ये भाई कुछ पहाड़ों से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाना है। ये देखो भाई, नीचे से इतना ऊपर चढ़ गया है, और ये रहे हमारा शिवलिंग जिसके लिए हम आए थे। लेट्स गो एंड चेक आउट। ये भाई शिवलिंग के बगल बगल से कुछ रास्ता जा रहा है नीचे, शानदार व्यू उधर भाई। यहाँ से उतरेंगे, यू यू यहाँ पे जूता चप्पल निकाल के जा सकते हैं। भगवान शिव शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे, उसकी पूजा कर सकते हैं। लग रहा है ये छोटा शिवलिंग है, और इसको विजिबल बनाने के लिए ये बड़ा सा मेटल का बनाया गया है। नहीं सियार भाई, ये छोटा सा शिवलिंग होगा, इनका कुछ नाम होगा, कुछ मान्यता होगी, और इनको इनके तक पहुँचने या अप्रोच बनाने के लिए ये बड़ा सा डिज़ाइन किया गया, ताकि लोग आएँ उनको समझ सकें किधर जाना है। और फिर भाई यहाँ पर चलते हैं, एक बार नज़ारा देखते हैं चल के।
आ जाओ आ जाओ। ये देखो भाई बादल जा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, थोड़ी देर तक रुकेंगे हम, अच्छा व्यू देखेंगे। कुछ नहीं दिख रहा भाई नीचे, वाओ। नौ पचास पे धूप हो गया भैया। थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है। ये था भाई कुछ व्यू यहाँ का। यहाँ पे है ये हमारा ओम वाला भगवा झंडा। अरे भाई चढ़ना कैसे, यहाँ से चढ़ जाऊँ क्या भैया? ये रहा हमारा शिवलिंग का शेप और यहाँ से नौ व्यू। ये देखो चलते भाई हम नीचे, नीचे चला जाए है ना। लेट्स गो लेट्स गो। या मजा आ गया यहाँ पे आके। वो दिख रहा है भैया, वो नीचे दिख रहा है। वो भाई अब तो पूरा विजिबल होने लगा, देखो वो नीचे मंदिर है। उस रास्ते से अपन आए उधर, वहाँ पे बाइक पार्किंग की गई है और यहाँ से ऐसे नीचे चढ़ के आए, यहाँ पे गए और इसके पीछे पहाड़ों के पीछे बैठ के एंजॉय किए। तो यही था यहाँ पे, मस्त जगह है, मस्त जगह है। व्यू देखने में तो भाई मज़ा ही आ गया, मतलब लिटरली। और बाइक वाले रास्ता भी बहुत बढ़िया था, उसके बाद बहुत अच्छी जगह है। लेट्स गो नीचे चलते हैं। फाइनली हम ऊपर से नीचे आ गए। वो रहा भैया ऊपर वाला जगह और ये रहा नीचे वाला मंदिर। अब देखो सब कुछ दिखने लगा यार, मॉर्निंग में क्या सीन था भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भाई ये था मलप्पा कोंडा मंदिर, वहाँ पे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का एक शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग है। वो जो बनाया गया है वो मेटल की बॉडी है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि लोग वहाँ तक पहुँच पाएँ। उसके पीछे एक छोटा सा शिवलिंग का मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। और ये मंदिर है, इसके अंदर भी है, ये अभी खुला नहीं हुआ है, पता नहीं क्या प्रोसेस है खुलने का इसका। शायद अभी लोग पंडित जी लोग आए हैं, शायद खोलेंगे आके। और यहाँ पे पूरा चारों तरफ पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है और ये पूरा का पूरा एरिया क्लाउड से भरा होता है भाई। सुबह सुबह आया कुछ नहीं, ये मंदिर भी नहीं दिख रहा था सही से, हल्का हल्का विजिबल हो रहा था और ये सारा पूरा का पूरा क्लाउड से भरा हुआ था ये एरिया। ज़बरदस्त व्यू है। और ऊपर वो जो मैंने ऊपर दिखाया जहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे जाने के बाद तो मस्त व्यू था, वहाँ पे अलग ही लेवल का व्यू था भाई। वहाँ पे बैठे रहे हम लोग, आओ बैठो और इंजॉय करो। तो सीन कुल मिला कैसा था, और ये बहुत ही शानदार रास्ता है यहाँ पे आने के लिए। 32 किलोमीटर्स का लगभग एक स्ट्रेच है जो बिल्कुल जंगलों के बीच से जाता है, छोटे छोटे गांव आते रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। और जैसे जैसे ये पहाड़ हमें विजिबल होता है रास्ते में आते हुए, गजब ही दिखता है भाई, गजब ही दिखता है, बिल्कुल क्लाउड्स से भरा हुआ।
मजा आया होगा भाई देखने में, जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना हम लोग दिखा पा रहे हैं, और धीरे धीरे ट्राई करूंगा अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए भाई, सीखूंगा धीरे धीरे स्किल्स को। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो फिर तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।